तो फिलहाल एक बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही, आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर से मुखातिब करवाते, बढ़ते प्रदूषण पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और जानकारी आपको दे रही हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का जो हलफनामा है वो पेश किया गया। पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि पूर्ण लॉकडाउन के लिए सरकार तैयार है, फायदा तब होगा जब NCR में लॉकडाउन लगे। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने हलफनामा पेश किया है और पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार, फायदा तब होगा जब NCR में लॉकडाउन लगेगा। तो स्वर शर्मा हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्पर्श, ये बड़ी बात यहाँ पर कही गई है पूर्ण लॉकडाउन की, फिलहाल इस खबर को लेकर और क्या जानकारी? देखिए महिमा, सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने एक हलफनामा जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जाए, तो दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर NCR क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया जाता है तो जो है ज्यादा असर जो है प्रदूषण पर जो है कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली एक छोटा क्षेत्र है और दिल्ली में अगर सिर्फ लॉकडाउन लगाया जाएगा तो उतना असर जो है प्रदूषण पर नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो इमरजेंसी मीटिंग पिछले दिनों बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस पर भी जो है जो CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से पूछा गया है कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहा गया था उसका क्या रहा। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि पराली जलाने से मात्र 10% पॉल्यूशन जो है वो जो है दिल्ली में कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा एक सलाह भी जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई है कि पार्किंग फीस को क्यों ना 3 गुना बढ़ा दिया जाए, ताकि जो गैर जरूरी काम के लिए दिल्ली के जो निवासी बाहर निकलते हैं वो पार्किंग फीस देखकर जो है कम बाहर निकलते हुए नजर आए। ऐसे में लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस प्रदूषण के मामले पर सुनवाई जारी है। तो सुनवाई लगातार जारी है और देखिए स्पर्श, क्योंकि ये अगर बड़ा फैसला हो जाता है लॉकडाउन का तो कितना कारगर साबित हो सकता है स्पर्श? देखिए लॉकडाउन लगाना अभी जो है इतना फिजिबल नहीं नजर आता है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा तो तमाम जो NCR के क्षेत्र है जिसमें हरियाणा के भी 14 जिले पड़ते हैं, इसके अलावा यूपी के भी कई जिले पड़ते हैं, तो उनमें भी जो है लॉकडाउन जो है कहीं ना कहीं लगाना होगा। और ऐसे में जो कोरोना के बाद इकोनॉमिक हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं वो लॉकडाउन लगाने से क्या जो है बिगड़ सकते हैं, ये जो है सरकारें देखती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसके अलावा क्या अन्य उपाय अपनाए जा सकते हैं, मसलन ऑड इवन जो है देखने को मिल सकता है, इसके अलावा भी कई तरीके के उपाय होते हैं वो जो है कहीं ना कहीं अगर सरकार अपनाती हुई नजर आएगी तो उसपे क्या प्रदूषण पर लगाम लगाई जाएगी वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी क्या टिप्पणी करेगा उसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा, इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है कि फायदा तब होगा जब NCR में लॉकडाउन लगे।